और गोंडा पहुंची अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। रामचरितमानस विवाद में अब एमएलए पल्लवी पटेल की एंट्री है। कहती हैं कि तुलसीदास तो सिर्फ अनुवादक है, मैं उन्हें संत मानती ही नहीं। रामचरितमानस में उनके अपने निजी विचार हैं। रामचरितमानस को मैं नहीं मानती हूं, ये कहती हैं पल्लवी पटेल। सिर्फ एक पंक्ति को हटाने से बात नहीं बनेगी, ये भी कह दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा में रहते ही विरोध करना चाहिए था। शूद्र के प्रति ऐसे विचार को जड़ से मिटाना है, पल्लवी पटेल कहती हैं। शूद्र के प्रति विचार बदलने को लेकर आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। तो अपना दल कमेरावादी और विधायक पल्लवी पटेल का कहना है कि मैं रामचरितमानस को नहीं मान रही। कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था, और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप विमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हटा। खबर मुंबई से। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। कहते हैं कि हर कोई एक समान है भगवान के लिए। पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई है, वर्ण व्यवस्था बनाई, जो कि गलत है। समाज के बंटवारे का ही फायदा दूसरों ने उठाया है। समाज में कोई ऊंचा कोई नीचा या कोई अलग नहीं है। देश में विवेक चेतना सभी एक है, उनमें कोई अंतर नहीं है। मुंबई में संत रविदास जयंती के मौके पर मोहन भागवत का ये बयान सामने आया। दोष तर उघडूघड दिसतात, आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही, इतका खाली उतरलेला हा समाज, हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे, याची परंपरा मोडून काढायच्या लायकीची असा आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोक सांगू शकत नाही। और लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी की बैठक हुई, कई अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। बोर्ड की बैठक में साफ साफ कहा गया कि देश में नफरत फैलाया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव आए जिन्हें पास किया गया, जिसमें बुलडोजर कार्रवाई की निंदा हुई। कानून पर अमल किए बिना बुलडोजर कैसे चलता है, इस पर चिंतन हुआ। बोर्ड ने कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म पर कोर्ट ध्यान दे, ये मांग की है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना गैर जरूरी बताया है। मुसलमान बोर्ड के बनाए निकाह नामे का ही प्रयोग करे, ये बात भी इस बोर्ड में चर्चा की गई, इस पर मंथन हुआ। तो लखनऊ के नदवा कॉलेज में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत बोर्ड के तमाम मेंबर इसमें शामिल हुए। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, खास तौर पर कॉमन सिविल कोड और वर्शिप एक्ट पर चर्चा हुई। आपको बताएं, ये बैठक पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में हुई है। कई चीजों पर चर्चा, लेकिन फोकस रहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, कॉमन सिविल कोड को लेकर के। इन बिंदुओं पर खास चर्चा। बड़ी खबर बस्ती से है, जहां पुलिस ने लग्जरी वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने पकड़े जो आरोपी हैं, उनके पास से चोरी की 3 कार और कई पार्ट्स भी उन कार के जब्त किए हैं। बताया जा रहा है, मुखबिर की सूचना के आधार पर वाल्डरगंज थाना पुलिस ने 2 आरोपी विजय और प्रदीप, जिनका नाम है, उनको औसापुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो ये गिरोह के सदस्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से लग्जरी कार्स को चोरी करके बेचते थे और इनके पार्ट्स को बेचते थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।